नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक के हाउस वायरिंग में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आज ये शीट ली है जिसकी मैं आज आपको सिंपल और आसान तरीके से वायरिंग करना बताऊंगा। इसमें मैंने एक 2 पिन, एक 5 पिन, एक रेगुलेटर लिया है, साथ ही 4 स्विच लिए हैं। 3 स्विच इन 5 पिन, 2 पिन और रेगुलेटर को कंट्रोल करने के लिए, और एक जो बचा हुआ स्विच है उससे हम बल्ब कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने 4 स्विच लिए हैं। मैं इनके निचले वाले कॉन्टेक्टों में फेज के वायर डालूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 4 वायर स्विच हैं, इनमें फेज का वायर डालेंगे। जैसे कि मैं इनका कॉन्टेक्टर खोल देता हूं। बहुत सिंपल और आसान वायरिंग बताऊंगा दोस्तों, मैं इन्हें खोल लेता हूँ। दोस्तों सेम आपको भी इसी प्रकार करना है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। ये जो निचले वाले कॉन्टेक्ट है, इनमें मैं फेज डालूंगा। ये वायर है, मैं नाप लेता हूँ इसको, वायर की सहायता से छिल लेंगे। थोड़ा मुंह वायर का खराब था, इसे मैं काट लेता हूँ। ये वायर, इसका मैंने नाप छिल लिया है। इसे अच्छे से मोड़कर इन दोनों स्विचों में डाल देते हैं। बिल्कुल सही नाप का दोस्तों। आपको भी दोस्तों ज़रा सा भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है इसको। तो मैं इसे अच्छे से टाइट कर देता हूँ दोस्तों। सेम आपको इसी प्रकार वायरिंग करनी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक वीडियो में सारी वायरिंग समझ में आ जाएगी। बार बार वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इसे छिलकर ऊपर वाले स्विच के निचले वाले कॉन्टेक्टर में डाल देता हूँ। अगर आप इसी प्रकार, अगर आपके घर पर भी दोस्तों कोई बोर्ड ख़राब है या उसमें स्विच चेंज करना है, तो आप इसी प्रकार वायरिंग देख करके उसे अच्छे से ठीक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, फेज का वायरिंग हो गई नीचे तीनों स्विचों की। मैं 5 पिन के जो पास वाला सॉकेट है उसमें भी इसी प्रकार एक वायर उठाकर इस स्विच के कॉन्टेक्ट को खोलकर इसमें लूपिंग करा देता हूँ, जिससे कि हमारे 4 स्विचों में फेज की सप्लाई आ जाएगी। आपको भी दोस्तों इसी प्रकार वायरिंग करनी है इसकी। और दोस्तों जो साथ ही ITI कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं, उनके लिए यह बेस्ट वीडियो है दोस्तों। आप मेरी वीडियो चैनल पर आकर विजिट करके देख सकते हैं, आपको बहुत ही ज्ञान भरी चीज़ें मिलेंगी इस पर। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। मैं उसको आपको कमेंट के माध्यम से या अगले वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसमें इसे टाइट करता हूँ। ये 4 स्विचों में दोस्तों फेज की वायरिंग हो गई अपने। अब हमें 2 पिन में, ये चारों की देख रहे हैं आप, ये फेज की वायरिंग होगी है। अब ऊपर वाले स्विच से हमें 2 पिन में फेज की सप्लाई देनी है, तो उसके लिए हमें छोटा सा वायर का टुकड़ा उसमें जोड़ देंगे। इसी प्रकार 5 पिन में एक छोटा सा टुकड़ा दे देंगे 5 पिन के पास वाले सॉकेट से, जिससे कि उसे भी फेज की सप्लाई मिल सके। देखिए दोस्तों, मैंने ये टुकड़ा ले लिया है, इसे छिलकर इसमें डाल देता हूँ। दोस्तों किसी भी 5 पिन को कंट्रोल करने के लिए जो पास वाला स्विच है उसके ऊपर वाले कॉन्टेक्टर में से जिस साइड पर L लिखा होता है, यानी जो ये बोर्ड अपना उल्टा पड़ा है अभी, हमेशा वायरिंग आपको इसी प्रकार करनी है। और हमेशा उल्टे हाथ वाले कॉन्टेक्टर में ये फेज का वायर डालना है। इसी साइड दोस्तों L लिखा होता है। दोस्तों इस बोर्ड में तो कोई समस्या नहीं आती। अगर आपको अपने को अगर इन्वर्टर वाले बोर्ड में अगर फेज न्यूट्रल फेज अगर उल्टी कर दिए तो क्या होता है, लाइट जाने के बाद अपना इन्वर्टर चालू नहीं होता है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों इसे आदत ही बना लो, आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों उसको हमने 5 पिन को फेज की सप्लाई दे दी है, और ये हमारे फैन के लिए जो रेगुलेटर यूज़ में लेंगे उसका 2 वायर है। इनमें से आप कोई सा भी वायर स्विच के एक कॉन्टेक्टर के ऊपर वाले हिस्से में डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि अपना फ़ैन, रेगुलेटर और स्विच दोनों से कंट्रोल हो जाएगा। स्विच से इसे सप्लाई मिलेगी।
ये पाइपिंग का ये स्विच है और ये रेगुलेटर का हम ये स्विच रख रहे हैं। ये दोस्तों इसी प्रकार मैं इसे कॉन्टेक्टर में डालकर अच्छे से टाइट कर देता हूँ। और जो दोस्तों अपने फ़ैन का दो वायर आते हैं, न्यूट्रल और एक फेज़, उसको फेज़ वाले को इस वायर में हम जोड़ देंगे और न्यूट्रल हम फाइव पिन के जो न्यूट्रल होगा उसमें से उठा लेंगे, जिससे कि फैन चल जाएगा। इसी यही काम आपको ये जो बचा हुआ स्विच है, अपना एक स्विच बच जाएगा इस बोर्ड में, उससे बल्ब या ट्यूबलाइट जला सकते हैं। इसी प्रकार अब मैं टू पिन को सप्लाई दे देता हूँ। ये मैंने वायर ले लिया है, पहले इसे छिला हुआ तैयार था मेरे पास, इसे मोड़ कर इसी कॉन्टेक्टर में डाल देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। या मैं इसे टाइट कर देता हूँ और टू पिन के ऊपर या नीचे कोई से भी पॉइंट में आप इसे डाल सकते हैं। सुविधा के लिए मैं इसे ऊपर वाले पॉइंट में डाल देता हूँ। ये दोस्तों ये टू पिन को फेज की सप्लाई इस वायर से मिल जाएगी स्विच ऑन करते ही। ये फेज की वायरिंग है, ये मैंने टू पिन में सप्लाई दे दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये फाइव पिन में सप्लाई दे दी है इस लाल वायर के टुकड़े से। अब आपको इसके न्यूट्रल की वायरिंग करनी है। एक टू पिन से आपको टुकड़ा उठाना है फाइव पिन तक का, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये मैंने टुकड़ा ले लिया है, अब इसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे, जिससे कि इसको फेज तो दोस्तों स्विच से मिल रहा है और न्यूट्रल डायरेक्ट हम इसे दे देंगे। दोस्तों बोर्ड में न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट रहता है, ये फाइव पिन में हम इसे दे देंगे। अब मैं इसे मेन सप्लाई के साथ जोड़ देता हूँ। मेन सप्लाई के वायर ले लेता हूँ मैं दो, ये मैंने वायर ले लिए हैं। एक वायर में न्यूट्रल वाले वायर के साथ जिस फाइव पिन का जो बचा हुआ कॉन्टेक्टर है, जिस पर एन लिखा हुआ न्यूट्रल, उसमें डाल देंगे। और दोस्तों घरों में अर्थिंग कराना ज़रूरी होता है। फाइव पिन का ऊपर वाला सिरा है, इसमें आप अर्थ का वायर डाल सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। इससे कि क्या होता है, अगर ह्यूमन यानी आदमी को कभी करंट लगे तो अपनी एमसीबी ट्रिप हो जाती है अर्थ लीकेज से। ये बचा हुआ सिरा हमारा अपना फेज़ का है, इसको हम इस स्विच में डाल सकते हैं, चाहे तो आप किसी भी स्विच में डाल सकते हैं इसको। मैं सुविधा के लिए इसी में डाल रहा हूँ, जिससे कि अपने चार स्विचों को एक साथ फेज की सप्लाई मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे डाल दिया है, मैं इसे अच्छे से टाइट कर देता हूँ। और दोस्तों स्विच के जितने भी कॉन्टेक्टर हैं उनको अच्छे से टाइट करना चाहिए, जिससे कि आर्क उत्पन्न ना हो, अपने स्विच जले नहीं। नहीं तो क्या होता है, कभी चटचराहट से आवाज़ आती रहती है बोर्ड में से, या अपने जो अप्लाइंस है जैसे बल्ब हुआ, या अपन कोई चीज़ चार्ज भी लगाते हैं तो वो चार्ज लगाते हैं, या फाइव पिन में से कुछ भी चीज़ चलाते हैं वो प्रॉब्लम करती है। ये न्यूट्रल की वायरिंग ले ली हमने, अभी आप इसे मैंने बताया उसी प्रकार एक वायर फैन का रेगुलेटर के इस वायर में जोड़ देना है और फैन का एक वायर फाइव पिन में जोड़ देना है। इसी प्रकार जो बचा हुआ एक खाली स्विच का ऊपर वाला कॉन्ट्रेक्टर है, उसमें से आपको एक फेज का वायर उठाना है बल्ब के लिए, और इसमें से एक न्यूट्रल का वायर उठाना है, आपका बल्ब भी 100% वर्क कर जाएगा। जैसे कि अपनी वायरिंग कंप्लीट है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं भी आई होगी तो प्लीज़ वीडियो रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं, पीछे करके कुछ समझ में नहीं आया हो तो। मैं इसकी सप्लाई चालू कर देता हूँ, और सेफ्टी के लिए ये मैं जो इसके लकड़ी के नीचे की फ्रेम है वो इसके नीचे रख देता हूँ, जिससे कि करंट ना आए। इसी प्रकार आपको देखिए दोस्तों, हमें आपको ये फाइव पिन चालू करके दिखा देता हूँ। अपना बोर्ड अभी इसमें सप्लाई ऑन है, मैं एक बल्ब होल्डर लेता हूँ और इसको चेक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों अपना ये बल्ब अच्छे से वर्क कर रहा है, टू पिन चेक कर लेते हैं। ये टू पिन का स्विच ऑन करते हैं,
ये भी दोस्तों चालू है, इसमें भी सप्लाई। आप भी इसी प्रकार आसान, सिंपल और अच्छे तरीके से इसकी वायरिंग कर सकते हैं। कहीं पर भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आपको अच्छे से वायरिंग समझ में आ गई। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अंत तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।